खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन किया, नामांकन में पहुंचे सहयोगी दलों के बड़े नेता। मोदी के नामांकन में डोम राजा और मदन मोहन मालवीय की मुंहबोली बेटी बनी प्रस्तावक, मोदी ने पैर भी छुए। मोदी ने नामांकन दाखिल करने से पहले काल भैरव मंदिर में पूजा की, कार्यकर्ताओं से कहा काशी जीतने का काम तो कल ही पूरा हो गया। मोदी ने चुनावी हलफनामे में 2.5 करोड़ की संपत्ति बताई, 5 साल में 50% हुआ इजाफा, मोदी के पास सिर्फ 39,000 रुपए कैश। जबलपुर की रैली में मोदी ने कहा कमलनाथ सरकार के आते ही कुछ महीनों में नोटों से भरे बैग मिले। समस्तीपुर की रैली में राहुल ने मैथिली भाषण से शुरुआत की, पूछा क्या हालचाल है। की हालचाल से समस्तीपुर की रैली में तेजस्वी बोले, देश को गरीबों की बात करने वाला राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी बोले, दुनिया की कोई ताकत मोदी को दोबारा पीएम बनने से नहीं रोक सकती। मायावती बोली, बीजेपी हमारी रैलियों में आवारा जानवर छोड़ रही है, कल कन्नौज की रैली में घुसाया था सांड। प्रियंका गांधी ने खुद वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का किया था फैसला, कांग्रेस ने कहा। पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी ने बीजेपी ज्वाइन की, उम्मीदवार और सिंगर हंस राज हंस मौजूद रहे। कोलकाता के जाधवपुर में रेसलर खली ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। रैली में ममता बनर्जी का मोदी पर हमला, बोली मिट्टी और कंकड़ से बने रसगुल्ले मोदी को दूंगी जिससे दांत टूट जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से नामांकन दाखिल किया, नामांकन से पहले किया रोड शो। साध्वी प्रज्ञा बोली, दिग्विजय को आतंकी नहीं कहा, लेकिन आतंकी वाला साध्वी का बयान वायरल हो रहा है। सनी देओल पर बोले, कैप्टन अमरिंदर वो फिल्मी फौजी, मैं असली फौजी रहा, हमारे उम्मीदवार जाखड़ सनी देओल को हराएंगे। कन्हैया का प्रचार कर रही शैला रशीद के खिलाफ बजरंग दल ने शिकायत दर्ज की, शैला बोली थी कि अमीर हिंदू मुसलमानों के साथ बैठकर बीफ खाते हैं। दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर आम आदमी पार्टी ने 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की।